बात सुन सदरपुरी, आज गोरेगांव के कृष्णा स्टूडियो में अजीत सर ने हमारे लिखे हुए दो गीत रिकॉर्ड किए हैं। कल मेरा जन्मदिन है और स्वर्ग की तरफ से मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है ये मेरी लाइफ का। और सर का मैं बचपन से मुरीद हूँ, उनकी आवाज़ के तिलिस्म में मैं खोता रहा हूँ। बस सर के लिए अपनी तरफ से दो लाइन कहूँगा कि आवाज़ में तिलिस्म लबो लहजा लजीज है, आवाज़ में तिलिस्म लबो लहजा लजीज है, बादशाह सुरों का मोहम्मद अजीज है, बादशाह सुरों का मोहम्मद अजीज है। सर से मैं दुआएं चाहूँगा अपने जन्मदिन पर। और ये मासूम सदरपुरी साहब हैं और मैं मोहम्मद अजीज खिदिरपुरी हूँ। मैं जिस मोहल्ले में पला बड़ा उसका नाम है खिदिरपुर, ठीक है। आज इन्होंने मेरा पहली बार, मतलब इनका लिखा हुआ गाना मैंने गाया, दो गाने गाए हैं, देशभक्ति गाने हैं। और इसके कंपोज़र हैं अपने नौशाद अली साहब हैं और ये कृष्णा स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। और एक यादगार गाना गाया मैंने बहुत दिनों के बाद, वाकई वाकई सर बहुत, मतलब ये गाना इतना अच्छा लिखा हुआ है। मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं आप अपने मासूम साहब के लिए सर, कि आगे भी अच्छा लिखिए और मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा गाने आपके गाऊँ। बिल्कुल सर, मुझे मेरी कुछ नसीबी होगी। नहीं, अच्छा लिखा हुआ गाना है, अच्छा कंपोज किया हुआ है, अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा हमारे पॉल साहब ने किया है, अरेंजमेंट बिल्कुल बेशक है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट। तो अच्छा गाना गाने से ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा हो गया, बड़ी खुशी हुई मुझे। ऑल द बेस्ट, आपको सालगिरह मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप खूब जिए, अच्छी तरह जिए, सेहतमंद ज़िंदगी और कामयाबी के साथ।